बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 38। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दिए हुए हैं, हम करते हैं पार्ट नंबर ई से। 9, 8, 9, 18, 27। तो कौन सा है, इसमें मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 9 = 18 = 27 = इस तरह से लिख देना है। फिर हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हम इस साइड पे करते हैं, 9 है, ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 ज़ार 9, तो 3 × 3। देन कम्स 18, 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9, तो 3 × 3 × 2, 3 × 3 × 2। देन कम्स 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 × 3 × 3। अब क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेने हैं। ये तीनों में देखने हैं, तीन नंबर्स हैं, तो ये आ गया और ये आ गया कॉमन। इसको एक एक दफ़ा लिख लेना है, 3 × 3। फिर हमने देखने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये 2 यहाँ पे नहीं है, ये एक दफ़ा आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पे नहीं है, किसी में भी नहीं है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। तो जब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर्स और ये कॉमन फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन से। कॉमन कौन से हैं, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन कौन से हैं, 2 × 3। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54। तो ये 54 जो फिगर आया है, ये है एलसीएम 9, 18 और 27 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये पार्ट नंबर ई था, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, और ये हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम।